नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ब्लॉक जयसिंह नगर द्वारा आज दिनांक खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंह नगर व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जयसिंह नगर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें दो सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया, जिसमें उनके द्वारा जो पहली मांग की गई उसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अन्य राज्यों की भांति नियमित किए जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक C5-2/2018-1/3/5 जून 2018 की नीति को लागू करने की मांग की गई, जिसमें शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, किंतु संविदा कर्मचारियों को उन सभी सुविधाओं से नदारद रखा जाता है। यही नहीं बल्कि उन्हें आधे वेतन मान में ही कार्य करना पड़ता है और संविदा कर्मियों को हर वर्ष शासन के द्वारा बॉन्ड भराया जाता है। इनकी दूसरी मांग यह है कि सपोर्ट स्टाफ की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पुनः बहाली एवं समस्त निष्कासित साथियों की वापसी का जिक्र किया गया। उक्त मांगों को लेकर किए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो 19 दिसंबर 2022 से जिले के समस्त संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी प्रदेश संगठन के आह्वान पर अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।